बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों जय भीम नव बुद्धाय। मैं नीलेश ओंकार लॉर्ड बुद्धा टीवी के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 27 तारीख कल 27 तारीख है और 27 जुलाई से 3 माह तक यानी लगातार 3 महीने बौद्ध धम्म में वर्षावास होता है। ये वर्षावास लगभग देश के तमाम बौद्धों के हर विहारों में और घर में ये मनाया जाता है। वर्षावास ये एक बौद्ध धर्म में किया जाने वाला अध्ययन जिसे हम कहेंगे। जितने भी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, वो कल से 3 महीना यानी कि गुरु पूर्णिमा से लेकर अश्विन पूर्णिमा तक वो अपने विहारों में अपने घरों में धर्म का अध्ययन करते हैं। उस धर्म अध्ययन में अगर भिक्कु उपलब्ध हैं तो भिक्कु पाठ पढ़ाते हैं धम्म का, अगर नहीं है तो बोधाचार्य या फिर उपासक भी वो धम्म का पाठ पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। इस वर्षावास का बौद्ध धर्म में क्या महत्व है और ये वर्षावास कब से शुरू हुआ है, इस वर्षावास के पीछे की कहानी क्या है, ये सारी बातें आज हम जानने के लिए आपके सामने आए हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में जो विशेष सहभाग लिया है वो भिक्कु श्रीपाद है, दूसरी एक उपासिका है डॉक्टर मालती साकरे जो कि पूर्व पाली विभाग प्रमुख रह चुकी है नागपुर विश्वविद्यालय की। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्षावास जो है वो इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है और आखिर बौद्ध धर्म में बौद्ध धम्म में वर्षावास का क्या महत्व है। तो मैं पहले हमारे जो धर्मगुरु हैं भिक्कु श्रीपाद जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ये बताने की कोशिश करें, ये समझाने की कोशिश करें कि ये जो वर्षावास है ये क्या एक परंपरा है, बौद्ध धर्म का एक संस्कार है और क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए ये शुरू हुआ है और बौद्ध धर्म में इसका महत्व क्या है। वर्षावास जो है, जो इसे श्रमण सभ्यता में, श्रमण सभ्यता के दो परंपराएं आती है जिसमें एक जैन और दूसरी बौद्ध, चातुर्यामिक धर्म एवं वर्षावास, ये दोनों भी परंपराएं, दोनों भी विचारधाराएं समान मात्रा में इसको, इसका अनुसरण करती है, इसका आचरण करती है। देखा जाए शास्त्रों के आधार पर, साहित्य के आधार पर अगर देखा जाए, वर्षावास इसलिए मनाया जाता था उस समय में, बहुत सारी धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, बहुत सारी बारिश होती थी, वर्षावास बारिश के मौसम में भिक्कू एक जगह 3 महीने रुकते थे और उसी प्रकार चातुर्यामिक धर्म का भी प्रचार हुआ जिसमें जैन आते हैं, तो जैन भी इस महीने में वर्षावास के महीने में चातुर्मास करते हैं और बौद्ध भी करते हैं। इसका एक ही मकसद रहता है कि बौद्ध के विचारों में एक परिवर्तन की नई दिशा आए, परिवर्तन का एक नया रास्ता आए और वो खुद को शुद्ध करे, कन्फेंस करे, इसके लिए वर्षावास किया जाता है। और ये गुरु पूर्णिमा से लेकर यानी कि जो अभी आषाढ़ जिसे अपन बोलते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर आगे के 3 महीने तक ये वर्षावास चलता है। एक्चुअल इसकी भगवान के महापरिनिर्वाण के उपरांत भी आषाढ़ सभ्यता को भारत के तमाम विभिन्न राज्यों में एवं संप्रदायों ने संभाल कर रखा, जैसे कि अपन देखते हैं खासतौर पर महाराष्ट्र में या अन्य जगहों पर। महाराष्ट्र में एक संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय आषा एकादशी के पूर्व आषाढ़ पूर्णिमासी तक जो पंढरी है वहाँ पर पैदल जाते हैं। तो दिस इज ये जो है पंढरी जाने का जो रास्ता है, आई थिंक सो जब महामाया जी जब अपने देवदह नगरी गई थी तो वर्षा आषाढ़ पूर्णिमासी के शास्त्रों के आधार पर लिटरेचर में कहा गया है, स्वयं बाबा साहब लिखते हैं कि जो आषाढ़ पूर्णिमासी के दिन ही सिद्धार्थ गौतम ने अपने माँ के गर्भ में प्रवेश किया था बोधिसत्व ने। तो ये जो यात्रा है
तो इस यात्रा को इस ढंग से जब पुष्पमित्र सिंह का जमाना आया, भिक्खु की हत्या हुई, तो ये विलुप्त होते जा रहा था, तो वारकरी संप्रदाय या अन्य संप्रदायों ने इस प्रकार इसको संभाल कर रखा। और वर्षावास एक ही मकसद है, वर्षावास का एक ही उद्देश्य होता है, ये दुख मुक्ति का मास होता है। बौद्ध सिद्धांत ही दुख मुक्ति का सिद्धांत है, जहाँ तक मेरा अध्ययन है या जहाँ तक मेरी पढ़ाई है, दुख मुक्ति के सिवा कुछ नहीं है। तो ये 3 महीने आपको प्रैक्टिस करनी होती है, हाउ टू अचीव एनलाइटमेंट, आप निर्वाण तक कैसे पहुँचोगे और आपके दुख को कैसे आप कम कर पाओगे, इसके लिए ये 3 महीने या वर्षावास बहुत ज़रूरी है। जी जी, मैं और आपके पास आना चाहूँगा। पहले मैं हमारी जो महिला उपासिका यहाँ पे बैठी हैं, डॉक्टर मालती साखरे, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ मैं कि आपकी क्या समझ है मैडम, आप किस तरह से एक उपासक के नाते इस वर्षावास की तरफ देखती हैं। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध उनके समय राजगृह के वेणुवन में निवास कर रहे थे, उस समय उनके कान पर ऐसी वार्ता गई कि लोग कह रहे ये कैसे श्रमण शिष्य है भगवान बुद्ध के, जो वर्षा के समय भी गांव-गांव में जाकर वर्षा के पानी में भीग रहे हैं, उनके वस्त्र भीग रहे हैं, जो वर्षा की बारिश से घास उगाता है और छोटे कृमि जंतु उत्पन्न होते हैं उनको कुचल कर मार कर ये घूम रहे हैं। इस तरह की बातें जब भगवान बुद्ध के कान पर सुनाई दी, तब राजगृह के वेणुवन कलंदक निवास में इस प्रकार से वार्ता सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए वर्षा के समय एक जगह निवास करने का प्रविधान किया है। उसी समय जो जैन संप्रदाय के शिष्य थे वो एक जगह रहते थे और चातुर्मास ये क्रिया करते थे, तो समाज में ऐसी बातें, गलत बातें भगवान बुद्ध के शिष्य के बारे में फैल रही थी, उसे हमारे शिष्य कोई भी हिंसा नहीं करते हैं और अनाचार नहीं करते हैं, ऐसा हमने शिक्षा दिया है और हमारे भिक्षु एक जगह बैठकर वर्षा के समय जो आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक वर्षा का समापन होता है, लेकिन उसके बाद भी अश्विन पूर्णिमा तक हमारे भिक्षु एक ही स्थान पर निवास करके अपने ध्यान साधना के एकाग्रचित्त होकर अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करते हैं और 3 महीना अपना ज्ञान वृद्धिंगत करके स्वयं ज्ञान प्राप्त होके अभिज्ञा प्राप्त करके उसके बाद 9 माह तक समाज में जाकर लोगों को बुद्ध धम्म के बारे में समझाते हैं, जिसे बुद्ध का ज्ञान कहेंगे, बुद्ध की देशना कहेंगे, अहिंसा मैत्री करुणा इसके बारे में जो भगवान बुद्ध ने देशना दी थी उसका भी ज्ञान करके और स्वयं का विशुद्धि का मार्ग प्राप्त करके फिर 9 माह तक चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस प्रकार समाज में जाकर बाकी के लोगों को भी प्रेरणा देते थे। इस प्रकार से समाज में वर्षावास का महत्व भिक्षु लोगों के लिए ज़्यादातर है। उसी समय मैत्री भाव से अपना आचरण करना, पंचशील का पालन करना, दान देना और भिक्षुओं का और एक दूसरे का समाज में सम्मान करना, ऐसी बातें सीखने के लिए इस समय समाज में चर्चा विचार विनिमय होने के लिए यह समय जो है यह उचित है, यह भगवान बुद्ध की देशना थी। इसे पाली साहित्य के त्रिपिटक साहित्य में विनय पिटक जो है इसमें महावग्ग का वर्षोपनायिका का खंडक इस तरह से हमें मार्गदर्शन करता है, साहित्य के रूप में भी हम वहाँ से पढ़ते हैं। तो भंते जी एक बात बताइए कि जैसे आपने कहा है और मैडम ने भी कहा है कि उस वक्त वर्षा बहुत होती थी और वर्षा होने के कारण शायद चरक भिक्खवे चारकम इसमें थोड़ी सी अड़चन आ जाती थी, महापूर वगैरह ये पहले होता था,
और जैसे कि मैडम ने कहा है कि जो नए जीव, छोटे छोटे जीव जो है वो उत्पन्न होते थे वर्षा के समय, और ये अफवाह फैलाई गई थी जो बौद्ध धर्म का विरोध करते थे उनके द्वारा कि ये कैसे भिक्कू है या कैसे श्रमण है जो जीवों को कुचलते जा रहे हैं वगैरह वगैरह, इसलिए इस सारी बातों से बचने के लिए भगवान बुद्ध ने वर्षावास यानी एक जगह आकर अध्ययन करना और अपने विशुद्धि का जो मार्ग है उसको स्थापित करने के लिए या उसको हासिल करने के लिए प्रयास करना, क्या ये सही तर्क है या सही तथ्य है या फिर इसके अलावा भी कोई और तर्क या तथ्य आप दे सकते हैं? वैसे देखा जाए ये रटी रटाई बातें हैं और लिटरेचर की बातें हैं, लेकिन जब अपन डीपली गहराई से जब बौद्ध धर्म बौद्ध सिद्धांत को जब जानते हैं, शायद मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है और मैं भी खुद ऐसा मानता हूँ, बौद्ध धर्म ये डिपेंड करता है या साइंस बौद्ध धर्म पर डिपेंड करता है जी। ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे देखा जाए तो वर्षावास की जो परंपरा है या जो सभ्यता है ये खाली बुद्ध ने शुरू नहीं की, अगर आप इस बात को मानते हैं 28 बुद्ध को अगर आप मानते हैं तो 28 बुद्ध की सभ्यता से वर्षावास की परंपरा चली आ रही है। इसका एक मुख्य अगर देखा जाए जियोग्राफिकली या हिस्टोरिकली या फिर जो इन्वायरमेंट का है इसका अगर देखा जाए तो बारिश के मौसम में जो होती है, ये तर्क सही भी है और कहा भी जाता है कि ये इस वजह से है, लेकिन मेरे विचार से ग्रेविटी का जो प्रमाण होता है जब अपन साइंस की बात करते हैं, अगर आप उसको मानते हैं तो ग्रेविटी की जब बात होती है या अपना इंसान का जो डाइजेशन सिस्टम होता है तो वर्षा के समय में बहुत ही कम होता है, अपन अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और आप देखते हैं कि अभी भी आज भी बारिश के मौसम में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो इन तमाम बातों से बचने के लिए एक आरोग्यम परम धन और बहुत सारे उसमें गाथाएं कथाएं जोड़ी गई है, तो बौद्ध धर्म में इसको बहुत ही महत्व है। हेल्थ इज वेल्थ, अगर आज की भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आरोग्य, आपका आरोग्य ठीक रखने के लिए और आपके विचार शुद्ध करने के लिए आपका स्वस्थ विचार शारीरिक मानसिक भावनिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए 3 महीने के बाद जो 9 महीने होते हैं, जैसे आप देखते हैं जब कोई भी स्त्री ऋतुमती होती है तो वो अपने बच्चे को 9 माह तक अपने गर्भ में रखती है, तो भगवान का जो सिद्धांत है दुख मुक्ति का जो सिद्धांत है तो वो यह बताता है 3 महीने आप उस दुख मुक्ति के सिद्धांत को समझो और 9 महीने तक प्रकृति के गर्भ में जाओ ताकि वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम, समाज में जाओ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस आप प्रॉब्लम को आप फेस कर पाए अच्छी तरह से और खुद पर कंट्रोल कर पाए शारीरिक मानसिक भावनिक और आध्यात्मिक इन तमाम बातों पर। फिर बाद में विशाखा के 8 वर आते हैं और जैसे कि अभी मैम ने बताया कि वर्षावास, ये बाकी तथ्य फिर उसके बाद में जोड़े गए। लेकिन अगर जब इस बात को अगर अपन मानते हैं भगवान जब अपने गांव जाते हैं नगरी जाते हैं कपिलवस्तु नगरी वो भिक्षाटन करते हैं तो उनके पिताश्री, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, उनके पिताश्री बोलते हैं कि बेटा ये अपना धर्म नहीं है, अपना धर्म मैं तुझे पोस सकता हूँ पाल सकता हूँ, तेरा ये धर्म नहीं अपना ये धर्म नहीं। तब सिद्धार्थ गौतम यानी कि भगवान अपने पिताश्री को यानी महाराज शुद्धोधन जी को बोलते हैं कि मैं आपके वंश से नहीं मैं बुद्ध के वंश से हूँ, मैं वो सभ्यता मैं वो परंपरा फॉलो करता हूँ जो 27 बुद्ध ने आज तक लाई है, तो उसी में से ही वर्षावास एक परंपरा है एक सभ्यता है। यस धम्म सनातन, ये एक सभ्यता है ये एक परंपरा है ऐसा आपने कहा है। एक सवाल और मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, खास करके भिक्कु का जिक्र आता है जब भी वर्षावास की बात आती है तो भगवान बुद्ध और उनके जो शिष्य है या जो श्रमण है उनका जिक्र ज़्यादा होता है, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं उपासक भी इसमें बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं और समाज में हर एक विहार में हर एक घर में कल से यानी कि कल की गुरु पूर्णिमा है तो कल से ये एक तरह का त्यौहार का रूप इसमें आ रहा है, यानी कि उपासक बहुत ज़्यादा संख्या में
धम्म अध्ययन और धम्म श्रवण श्रवण करने के लिए इस पूर्णिमा से 3 माह तक जो ये चलता है वर्षावास, वो पूर्णिमा तक, अश्विन पूर्णिमा शायद, वहाँ तक उपासक विहारों में धम्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, धम्म का अध्ययन करते हैं, जितनी भी समझ होती है उनमें वो अपनी समझ से वो अध्ययन करते हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? वर्षावास वैसे देखा जाए तो वर्षावास स्पेशली जब लिटरेचर की बात आती है, बौद्ध साहित्य की जब बात आती है, स्पेशली साहित्य में भिक्कुओं के लिए ही वर्षावास बनाया गया है। और उस समय में उपासकों ने भिक्कुओं को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे मैम ने अभी बोला, उन्होंने बुद्ध विहारों में जाके पंचशील का पालन करके भिक्कुओं को दान आदि कर्म करके ये वर्षावास के समय में ये पुण्य अर्जित करना चाहिए। अपने भारत में एक्चुअली इसलिए ऐसा हो रहा है, घर घर में या बुद्ध विहारों में वर्षावास के समय में उसका पठन होता है, इसका कारण एक है, भिक्कुओं की संख्या ही कम है भारत में, ये महत्वपूर्ण कारण है। और भिक्कुओं की संख्या कम होने की वजह से, और आजकल जो है भिक्कुओं के प्रति जो नज़रिया है समाज का, तो वो थोड़ा चेंज हो रहा है, अलग हो रहा है। वर्षावास के पीरियड में जब अपन देखते हैं बौद्ध साहित्य को, जब अपन खंगालते हैं, जानते हैं, अध्ययन करते हैं, तब पता चलता है वर्षावास के समय में जो व्यापारी होते थे, जो धनी होते थे, या अन्य मंत्री, या फिर ब्राह्मण होते थे, या अन्य सभी लोग वर्षावास के पीरियड में 3 महीने के लिए वो श्रमण भी बनते थे। तो आज ये जो सभ्यता चली आ रही, ये ठीक है कि बुद्ध विहारों में इसका अध्ययन किया जाता है, पठन किया जाता है, लेकिन मेरी एक आप सभी दर्शकों से एक गुजारिश है कि अगर वर्षावास के समय में अगर किसी उपासक बनकर जब आप पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर अपने को बौद्ध धर्म को अगर और प्रचारित और प्रसारित अगर करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जैसे स्टूडेंट है या अन्य कुछ लोग हैं, तो वो इस 3 महीने में श्रमण वेश धारण करके या अनागारिक बन के भिक्कुओं से इन तमाम विषयों पर, जैसे विनय है, जीवन जीने की कला है, मेडिटेशन है, इसके बारे में शिक्षा ग्रहण करें। सो मेरे विचार से ये मच बेटर रहेगा, न कि बुद्ध विहारों में प्रवचन हो रहा है, एक कर्मकांड जैसा हो रहा, वो लोग वो रामायण, गीता, महाभारत या वो अन्य वो पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार फिर ग्रंथ का पठन हो रहा, लास्ट में फिर भोजन हो रहा और सभी लोग खाना खा रहे, गा रहे, नाच रहे, तो ये थोड़ा सा जो शुद्ध सभ्यता है उसको बगल देने का प्रयास हो सकता है। यही बात मैं मैडम से जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी भंते जी ने कहा है कि ये जो परंपराओं को कर्मकांड का रूप आ जाता है और जो वास्तविक जो हमारी सभ्यता है उसको अगर बदनाम किया जाता है, क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो बौद्ध धर्म के विरोधी लोग हैं, जो नहीं चाहते कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, वो इस बात को हिंदू धर्म के कर्मकांड से भी जोड़ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे भागवत होता है हिंदू धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में 9 दिन उपवास किया जाता है नवरात्रि में, और जैसे रोज़े रखे जाते हैं, उसी तरह की ये एक परंपरा है, ये एक कर्मकांडी वृत्ति है। तो इन वृत्तियों को जैसे भंते जी ने कहा है कि इसका जो सही अर्थ है या सही इसका मायना है, वो अगर हम स्थापित करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अगर कर्मकांड की ओर अगर हम ले जाते हैं तो ये हमारे लिए कितना घातक है? समाज के लिए भगवान बुद्ध ने पंचशील का प्रावधान दिया है, तो पंचशील का पालन तो स्त्री पुरुषों ने करना चाहिए, वो तो साल भर करना चाहिए। लेकिन आजकल दिखाई दे रहा है कि सिर्फ वर्षावास शुरू होता है तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बड़ा सा त्यौहार करके भिक्षु संघ के साथ, भिक्षु संघ को प्रवचन देने का मौका कम दिया जाता है, और जो समाज सेवी बोलते हैं, राजनीतिक जो लोग हैं और जो खुद को ज्ञान प्राप्त, आजकल तो उपासक के साथ महा उपासक भी शब्द धारण किया जाता है, तो हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है। कोई महा उपासक होने के लायक है कि नहीं, ये खुद को चेक करना चाहिए। पहले तो उपासक,
उपासक ऐसा वो शब्द है पाली का, यानी उस धम्म के पास जाने वाला। तो धम्म क्या ग्रहण किया? धम्म है भगवान बुद्ध का वचन, जो वचन उन्होंने पंचशील में दिया है, हमें अष्टशील में दिया है, भिक्षु लोगों के लिए दस शील दिए हैं। प्रथमतः इसका पालन हो, एक भी शील पालन किया और खुद को उपासक समझे तो हम समझ सकते हैं पाली के अध्यापक होने के नाते कि समाज के लिए ये ठीक धारणा होगी। लेकिन समाज में हमें नहीं लगता, हम भी जब जाते हैं पाली साहित्य के अध्यापक होने के नाते कुछ बातें बताने हमें जब बुलाते हैं तो हम प्रथमतः यही चर्चा करते हैं कि शील का कितना पालन हो रहा है। तो समाज में हम दिखाई देते हैं कि शील का पालन ज़्यादा नहीं हो रहा है, प्रथम शील तो हो ही नहीं रहा है, सारे समाज में मांसाहार बढ़ रहा है और आर्थिक उन्नति होने के कारण, सामाजिक उन्नति होने के कारण स्वयं को इतना ऊंचा समझते हैं, उनका स्तर ठीक है कि अच्छा हो गया समाज में, लेकिन खुद को बहुत बड़े हो गए हम और समाज में हमारा बहुत बड़ा वजन है, इस तरह के ईगो से समाज में कुछ लोग पल रहे हैं और अहंकार ईगो बहुत बढ़ रहा है। तो ये तो पंचशील के लिए घातक है। आप भी ये बात तो कहना कि मान रहे हैं कि इसको कर्म कांड का रूप दिया जा रहा है जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि मेरी जितनी समझ है, मैं ये समझता हूँ कि अब तक के जो हमारी बातें हुई है उससे ये तो साफ हो गया है कि वर्षावास जो है वो विशुद्धि के लिए होता है, यानी कि हम उस समय अपने शील को, अपने शील का पालन कर सकते हैं और अष्टांगिक मार्ग का आचरण कर हम अपनी विशुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये एक साधारण समझ है मेरी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, चित्र इसके विपरीत है। आज हम देख रहे हैं एक शहर में, अगर नागपुर की बात करें तो लगभग 100 से भी ज़्यादा विहार यहाँ पर होंगे और हर छोटे बड़े विहार में ये एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। आमतौर पर प्रक्रिया ये होती है कि एक अगर कोई भिक्कु वहाँ पर उपस्थित है तो भिक्कु कल से 3 महीना बुद्ध धम्म, यानी बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है उसका पठन वो करते हैं और वो समझाते हैं उपासकों को। जहाँ भिक्कू नहीं है, जहाँ उपासक है जो थोड़ा बहुत जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जो पढ़ने की जिनकी क्षमता है वो पठन करते हैं और उपासकों को समझाते हैं। लेकिन इससे कोई ऐसा खास बदलाव हमें नहीं दिखाई दिया, इससे एक वृत्ति ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है जो उत्सववादी वृत्ति है और जो कर्मकांडी वृत्ति है उसको कहीं ना कहीं हम बढ़ावा दे रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्षावास का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो सही तरीका है उससे कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं, ऐसा मैं मेरा मानना है। तो इस पर उपाय क्या हो सकते हैं भंते जी? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअल जो है कर्मकांड के दिशा से ये वर्षावास जा रहा है, आज ऐसे सवाल उठ रहा है। मेरे लिए एक बौद्ध प्रचारक होने के नाते मेरे लिए ये बहुत चिंता का विषय है। ऐसे अगर समाज में अगर ऐसी प्रवृत्तियाँ या ऐसे सवाल जब खड़े होते हैं कि वर्षावास जो 28 बुद्ध से चले आ रहा सभ्यता या परंपरा है, आज उसके बारे में कर्मकांड जैसा शब्द प्रयोग हो रहा है, ये वाकई मेरे लिए बहुत दुखद है और बहुत ही विचित्र है। अभी हम लोगों ने अगर ये सवाल अगर उठ रहा है, ये सवाल समाज में से ही आ रहा है, तो इसको निश्चित स्वरूप से हम सभी दोषी हैं और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोगों ने खुद चिंतन और मनन करना चाहिए। और उसके लिए जैसे कि मैंने अभी सुना है कि वर्षावास के नागपुर शहर में बहुत सारी महिलाएं भिक्षुनी बनती है, शायद अपने टीवी पर से वो ऐड मैंने एक बार देखी थी। अगर इन तमाम बातों को अगर अपने को रोकना है, शुद्ध स्वरूप से अगर धम्म दुख मुक्ति का रास्ता या दुख मुक्ति का मार्ग लोगों को बताना है,
तो इसके लिए अपने को अभी चिंतन उत्सव, मैं इस विरुद्ध में नहीं हूँ कि उत्सव होना ही नहीं चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। नाउ एवरीबडी, हर कोई बोलता है कि बौद्ध धर्म में उत्सव नहीं है, उत्सव नहीं है। वप्रमंगल उत्सव बाबा साहब ने स्वयं लिख के दिया है, उत्सव होना चाहिए, उसके साथ साथ वैचारिक तालमेल भी उसके साथ होना चाहिए, और आचरण का उसको थोड़ी आचरण का भी किनार होनी चाहिए, उसको दान का भी दान की भी किनार होनी चाहिए, और चिंतन मनन का भी उसको सहारा होना चाहिए, न कि कर्मकांड होना चाहिए। जहाँ तक अभी आपने जैसे अभी कहा बातों में कि रामायण या भगवद गीता या फिर वो उनके दुर्गा देवी के या मुस्लिमों के रोज़े हो गए और या क्रिश्चियनों के मदर मेरी का जन्मदिन है, तो इस प्रकार ये हो रहा है क्या? तो एक्चुअल ये वर्षावास की तरह, ये वर्षावास की ही उपज है। वर्षावास से ही क्रिश्चियनों ने ये सब लिया है, वर्षावास से ही मुस्लिम धर्म, आप जानते हैं मुस्लिम धर्म बहुत पुराना धर्म नहीं है, वो तो अभी से है। तो ये हिंदुओं की विचारधारा हो या कृष्णों की विचारधारा हो या मुस्लिमों की विचारधारा हो, तो ये वर्षावास में से ही बाहर निकली है। खाली उन्होंने उसको कर्मकांड जोड़ दिया और बौद्ध ने उसको आचरण जोड़ दिया। तो इसलिए बौद्ध धर्म में इसका महत्व है और उन लोगों ने भी अपने अपने तरीके से उसका महत्व बढ़ाया है। लेकिन मैं ऐसा दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि रोजे जैसा या फिर दुर्गा देवी के नवरात्रि जैसा या जीसस के जयंती जैसा या फिर और कुछ जो कुछ है तो उसके जैसा न होकर वर्षावास शुद्ध स्वरूप से वर्षावास भी हो। इस दिन में उपासकों ने अष्टशील व्रत धारण करके विहारों में जाके खुद को देखना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। मैं तो ये भी अभी मैं भी भिक्खू, मैं कभी कभी एक आधे बार बुद्ध विहार में जाता हूँ, तो कुछ कुछ उपासक ऐसे बोलते हैं कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं वर्षावास के समय में, तो ये लोग मेडिटेशन नहीं करते, हम लोग तो उपोषित सील धारण करते हैं, ये लोग सील धारण करते नहीं है। तो एक्चुअल बुद्धिज्म में किसी को नीचा दिखाने का भाव नहीं है। मेरे विचार से अगर कोई साधक ऐसा बोलता है कि ये लोग साधना नहीं करते, अगर कोई शिलाचरी उपासक अगर बोलता है कि ये लोग वर्षावास के पीरियड में शिलाचरण नहीं करते, तो मेरे विचार से ये हम सभी के लिए बहुत ही विघातक है, घातक है। क्योंकि साधना अहंकार दूर करने के लिए की जाती है, शिलाचरण शुद्धाचरण इसलिए किया जाता है कि अपन और कुछ आगे कर पाए। तो मेरे विचार से उपोषित व्रत जो वर्षावास का टाइम आता है, तो इस समय में जो साधना करने वाले उपासक हैं उन्होंने साधना करनी चाहिए, जो लोग शिलाचरण करने वाले हैं उन्होंने शिलाचरण करना चाहिए, जो लोग अध्ययन करते हैं उन्होंने अध्ययन करना चाहिए, जो लोग बुद्ध विहारों में छोटा बड़ा अपन देखते हैं बुद्ध एंड हिज धम्मा में राजा महाराजा लोग झाड़ू लगाते हैं। मैं विदेशों में जाता हूँ, वर्षावास करता हूँ, तो वहाँ पर वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री वो झाड़ू लगाने के लिए आते हैं। तो अपन लोगों ने भी ये करना चाहिए, जिसे जो काम जमता है वो उसने बुद्ध विहार में करना चाहिए। और बुद्ध विहार वर्षावास के, वैसे तो परमानेंटली एक ट्रेनिंग सेंटर ही होता है, लेकिन वर्षावास में जैसे कि स्कूल में प्रैक्टिकल का एक टाइम होता है, एग्जाम का एक टाइम होता है, तो दैट्स लाइक वर्षावास। उसी प्रकार वर्षावास के पीरियड में हम सभी का ये इवेंट होना चाहिए, हमारा भी वो प्रैक्टिकल है और एग्ज़ाम का टाइम है। तो ये अगर जब हम समझेंगे कि ये प्रैक्टिकल का टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम है, तो सही मायने में कर्मकांड से ये वर्षावास दूर होगा। नहीं तो दुर्गा देवी के नवरात्रि और रमज़ान के पवित्र रोज़े और अन्य वैसा ही ये होगा। तो उपासकों से मैं अनुरोध करता हूँ, जो साधना करने वाले हैं वो साधना, जिसे जो होता है वो करें, दूसरों पर दोषारोपण ना करें, दूसरों पर ब्लेम ना करें, तो खुद को देखें। और भी कई सवाल है, लेकिन इस चर्चा को यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकना पड़ेगा। दर्शकों आप बने रहिए हमारे साथ, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। बुद्धं शरणं गच्छामि